दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। शनिवार की सुबह मुंबई के तारदेव में भाटिया अस्पताल के पास कमला इमारत की 20 मंजिल में लेवल 3 में आग लग गई। इसकी सूचना मिलने पर वहां पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। शहर के 20 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मुंबई के तारदेव में भाटिया अस्पताल के पास कमला इमारत की 20 मंजिल में लेवल 3 में आग लग गई। इसकी सूचना मिलने पर वहां पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। साथ ही बताया जा रहा है कि अब 3 लोग क्रिटिकल हैं, उन्हें ICU में रखा गया है, जबकि 12 लोग सामान्य जख्मी हैं, उन्हें जनरल वार्ड में रखा गया है। अन्य लोगों को वहां से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर मौके पर पहुंची हैं, वहां पर हादसे के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं। उनका कहना है कि सबको बचा लिया गया है, जबकि संभावना है कि अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं। इस घटना के बाद आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। सौजन्य इंडिया टीवी। अभी तक मुझे पता नहीं चला है और 650 को शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, इसे पता चल रहा है। हम लोग अरुण दुधवरकर और मैं एक ही साथ में, हम बराबर 7:10 या 12 में पहुंच गए। उसमें तभी 6 लोगों को बाहर निकाला था जो घर के ही थे, सफोकेशन हो रहा था उनको। और अभी आग जो है वो फ्लेम कंट्रोल में है और धुआं है, तो हमारे फायर भी तुरंत उधर पहुंचने के बाद काम चालू किया गया है। बहुत लोगों को भाटिया में 12 लोग एडमिट किए गए हैं, उसमें से हम 8 लोगों को मिल चुकी है जो वार्ड में, जो ICU में है उनके लिए हम अंदर नहीं गए और उनके ऊपर इलाज चल रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा पे जो रुग्ण एडमिट हुए वो ज़्यादा सीनियर सिटीजन है, डर के मारे डरे हुए हैं। और धुआं अंदर जाने के बाद जो स्थिति बनती है वो ब्रोंकाइटिस जैसी, उनको अभी ऑक्सीजन लेवल देके उनको सेटल कर रहे हैं। और मैम ये भी कहा गया था कि कुछ हॉस्पिटल्स में लोगों को भर्ती नहीं किया गया कोविड के डर की वजह से, क्या ऐसे हुआ और इसके बारे में कुछ कार्रवाई होगी? कोविड के डर के मारे करना अभी तो जरूर नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी इमरजेंसी थी और इमरजेंसी में हम RT-PCR ये वो करते रहेंगे तो उसमें कोविड तो साइड में रहेगा, लेकिन जान जा सकती है। हमारा मसीना हॉस्पिटल, ओकर हॉस्पिटल और रिलायंस हॉस्पिटल ने लेने के लिए मनाई की। मैं अभी आपके माध्यम से हमारे इकबाल चहल जो आयुक्त है, मैं उनके साथ बात कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इनको भी मैं कह रही है कि ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर थोड़ी सी उनको सबक मिलना चाहिए। ये ऐसे अभी ये टाइम में वो नकार नहीं दे सकते, क्योंकि वाड़िया हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती करने के बाद बेड ही खत्म होते हैं, तो मुझे लगता है बाकी हॉस्पिटल ने लेना चाहिए। बाकी हमारे नायर में गए हैं, अभी जसलोक ने भी अच्छा सहयोग किया है, जसलोक हॉस्पिटल में भी रुग्ण पाए गए हैं, उधर रखे गए हैं। मुझे लगता है जिन हॉस्पिटल में स्थानिक लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा है, हम CCTV कैमरे से देख सकते हैं कितने रुग्ण आए और कितने रुग्ण वापस गए, क्योंकि मैनेजमेंट शायद बोल सकते हैं कि हमारे पास आए ही नहीं। तो CCTV कैमरा अभी से आप भी सब ने उसको निगरानी में रखना चाहिए और CCTV कैमरे में तय होगा कि एम्बुलेंस आने के बाद एम्बुलेंस वापस गए। जी, और एक आखिरी सवाल मैम, आप भाटिया हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे आपने इंजर्ड से मिला, आप मिली थी, उनको आश्वासन दिया, अभी क्या आप नायर हॉस्पिटल भी जाएंगी मैम? हम जा रही है नायर भी, और नायर में भी एक मिनट, नायर हॉस्पिटल नायर में भी हम थोड़ी इंक्वायरी कर लेते हैं, उनको आश्वासित करते हैं कि आप डरो मत, हम आपके साथ हैं।